आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Realme 7 डिवाइस में Realme UI 3.0 बेस्ड ऑन Android 12 का फर्स्ट बैच बीटा अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, बात करेंगे गाइस इस अपडेट के कॉन्फर्म डेट के बारे में, एंड गाइस सबसे पहले जो अपडेट देखने के लिए मिलेगा वो गाइस बीटा अपडेट देखने के लिए मिलेगा। एंड गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि बीटा अपडेट जो रिलीज कराया जाता है वो गाइस टेस्टिंग पर्पस के लिए ही रिलीज कराया जाता है, तो गाइस उस अपडेट में कुछ बग एंड इशू देखने के लिए मिलने का ज़्यादातर संभावना रहता है। तो गाइस वो बग एंड इशू कौन कौन सा हो सकता है ये भी गाइस, तो गाइस इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो गाइस अगर आप भी हैं Realme 7 डिवाइस के यूजर्स तो गाइस आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना, बिकॉज मे बी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस Realme 7 डिवाइस में Realme UI 3.0 बेस्ड ऑन Android 12 का फर्स्ट बैच बीटा अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, इसका कॉन्फर्म डेट क्या है, ये तो खैर हम वीडियो में आगे बात करेंगे। गाइस इससे पहले हम बात करते हैं कि गाइस यहाँ पे जो Realme UI 3.0 बेस्ड ऑन Android 12 का जो फर्स्ट बैच बीटा अपडेट देखने के लिए मिलेगा, तो गाइस ये एक बीटा अपडेट होगा। एंड गाइस बीटा अपडेट जो रिलीज कराया जाता है वो गाइस टेस्टिंग पर्पस के लिए ही रिलीज कराया जाता है। तो गाइस बीटा अपडेट में कुछ बग एंड इशू जो कि है देखने के लिए ज़्यादातर मिलने का संभावना रहता है, जैसे कि गाइस हीटिंग प्रॉब्लम, लैगिंग प्रॉब्लम, एंड गाइस बैटरी ड्रेन का इशू, एंड गाइस यहाँ पे कुछ चार्जिंग इशू भी देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस बीटा अपडेट में जो बग एंड इशू देखने के लिए मिलता है तो गाइस उस बग एंड इशू को नेक्स्ट अपडेट के थ्रू फिक्स कर दिया जाता है। तो गाइस आप लोगों के डिवाइस में जब फिर से बीटा अपडेट के बाद नेक्स्ट अपडेट देखने के लिए मिलेगा तो गाइस उस अपडेट के थ्रू जो भी आपके डिवाइस में बीटा अपडेट में बग देखने के लिए मिलेगा उस अपडेट के थ्रू फिक्स कर दिया जाएगा। तो गाइस अगर आप चाहें तो आप अपने Realme 7 डिवाइस को Realme UI 3.0 बेस्ड ऑन Android 12 के फर्स्ट बैच बीटा अपडेट में अपडेट कर सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं कि Realme 7 डिवाइस में Realme UI 3.0 बेस्ड ऑन Android 12 का फर्स्ट बैच बीटा अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, इसका कन्फर्म डेट क्या है। तो गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि Realme UI 3.0 का जो अर्ली एक्सेस से रोड मैप निकल के आया था सामने, गाइस जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे गाइस, उसमें Realme 7 डिवाइस में मार्च 2022 में Realme UI 3.0 बेस्ड ऑन Android 12 का फर्स्ट बैच बीटा अपडेट देखने के लिए मिलना है। तो गाइस आप लोगों को यहां पे मार्च में अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस अब बात करते हैं कि मार्च के महीने में एग्जैक्ट आप लोगों को कौन से डेट को देखने के लिए मिलेगा, इसका एक्सपेक्टेड डेट क्या है। तो गाइस आप लोगों को यार मिड मार्च के बाद ही अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है फर्स्ट बैच बीटा अपडेट का। तो गाइस यहां पे जितने भी है Realme 7 डिवाइस के यूजर्स, अगर गाइस आप अपने डिवाइस को Realme UI 3.0 के बीटा अपडेट में अपडेट करने के लिए इंटरेस्टेड है तो गाइस आप यहां पे यार थोड़ा सा अलर्ट रहना, सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो गाइस आपके सामने एक पेज खुल के आएगा। उसके बाद गाइस आप लोगों को एक बगल में एक सेटिंग का आइकन देखेगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो गाइस आप लोगों को एक ट्रायल वर्जन का ऑप्शन देखेगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करके यार फॉर्म को चेक करते आना है। वैसे गाइस आप अलर्ट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि गाइस जैसे ही Realme 7 डिवाइस के लिए Realme UI 3.0 का फर्स्ट बैच बीटा फॉर्म देखने के लिए मिलेगा गाइस आप लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा इसी चैनल पे न्यू वीडियो के जरिए। तो गाइस फिलहाल मैं अभी के लिए इतना ही, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी ओपिनियन हो तो गाइस नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।